अशोक भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो? मस्त। आप हमारे ब्लॉग में हैं, हम आपके ब्लॉग में हैं। एक दूसरे को सब्सक्राइब करेंगे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, है ना, अच्छा लगेगा। स्वागत है एक बार हमारी नई ब्लॉग वीडियो में। आज हम हैं अपने होम टाउन के रेलवे स्टेशन मुसाफिर खाना में। का रेलवे स्टेशन अपने आप में एक खुशी अनुभव कराता है। जब हम शहर से यहाँ पर आते हैं तब या जाते हैं तो यहाँ से दुख का अनुभव ही होता है, लेकिन जब आते हैं और मुसाफिर खाना का नेम प्लेट देखते हैं ना, तो एक खुशी की लहर दौड़ उठती है। अगर कोई बीमार भी होता है ना, तो वो भी सही हो जाता है। और यहाँ से चलने वाली काफ़ी ट्रेनें हैं जो दिल्ली, मुंबई, वैष्णो देवी, तमाम जगहों के लिए, राजस्थान वगैरह, बांदीकुई, बालाजी मंदिर, हर जगह के लिए यहाँ से ट्रेनें मिल जाती हैं। और सुल्तानपुर, लखनऊ के लिए तो काफ़ी ट्रेनें हैं यहाँ से। तो आइए इसके बारे में जानते हैं और दिखाते हैं आपको मुसाफिर खाना का ये भव्य और ये सुंदर रेलवे स्टेशन मुसाफिर खाना। यहाँ पर आपको लाइन की बात करेंगे दोस्तों, तो 4 लाइन यहाँ पर दिख जाएंगी। जो प्लेटफार्म की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 प्लेटफार्म है, 1 नंबर ये है और 2 नंबर उधर से है। जो लखनऊ से ट्रेनें आती हैं वो 2 नंबर पे आती हैं उस साइड में, और जो सुल्तानपुर से ट्रेनें आती हैं वो 1 नंबर प्लेटफार्म पर आती हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दुकान की, तो यहाँ पर कैटरिंग की 1 बेडिंग दुकान है ये, लेकिन ये जब ट्रेन वगैरह आती जाती हैं तभी खुलता है। लगभग शाम के 4 बजे से ट्रेनों का आवागमन चालू रहता है, तब ये दुकानें खुली रहती हैं। और यहाँ पर बैठने की बात करेंगे तो एक आपको उधर 3 साइड मिल जाएगा, बैठने की व्यवस्था अच्छी है। और इस साइड में आपको 2 जगह मिल जाएगा, एक ये वाला मिल जाएगा और दूसरा यहाँ का ये मिल जाएगा। तो देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार से ये रेलवे स्टेशन होने वाला है। पहले यहाँ पर तत्काल टिकट की बुकिंग होती थी, लेकिन अब उसे फिलहाल बंद कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। और आगे शुरू होता है तो हम वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और एक आपको फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर दिख जाएगा। तो कुछ ये यहाँ का रेलवे स्टेशन है। पानी पीने की बात करेंगे दोस्तों, तो इस रेलवे स्टेशन पर लगभग 8 सरकारी हैंड पंप लगे हुए हैं, 4 इस साइड में हैं, 4 उस साइड में हैं। और जो टोटी इस तरह की लगी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाली टोटी यहाँ पर 3 है। और डस्टबिन की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको जगह जगह डस्टबिन भी मिल जाएगी। और पीने के लिए पहले इस तरह का यहाँ पर शीतल जल और पीने का पानी का बनाया गया था, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर बंद दिख रहा है। और बैठने की उचित व्यवस्था स्टील का यहाँ पर कुछ बनाया गया हुआ है, आइए आपको नज़दीक से दिखाते हैं। और उसके पहले मुझे दिख गया है ये कूड़ेदान, जो कि भरा ही रहता है, खाली मुझे दिखता ही नहीं। शायद साफ़ करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। और ये स्टील का बैठने वाला है। और 4 बजे के समथिंग यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, अनाउंसमेंट भी यहाँ पर पुरुष के द्वारा होता है ना, है ना, पुरुष के द्वारा होता है। और ये जब पहले रेलवे स्टेशन था मुसाफिर खाना का, तो यहाँ से टिकट मिलता था। और तत्काल टिकट की बात करेंगे तो बगल ही आपको एक वो दिख जाएगा केबिन, वहाँ पर आपको मिलता था। ये इधर आ गए हैं जहाँ पे ये केबिन रखी हुई है, पहले यहाँ से टिकट मिलता था, लेकिन अब ये पूर्णतः बंद कर दिया गया है काउंटर। और उस साइड में वहाँ बात करेंगे, वहाँ पे खुल गया है, तो भी हम आपको दिखाएंगे। ये मुसाफिर खाना का रेलवे स्टेशन है। अगर आप जनरल टिकट भी लेना चाहते हैं तो UTS के माध्यम से ले सकते हैं, और तत्काल टिकट भी यहाँ पर आप IRCTC की वेबसाइट से या एप्लीकेशन से बुक कर सकते हैं। तो किस इस प्रकार होने वाला है ये रेलवे स्टेशन। पहले यहाँ से सारे स्टेशन को संचालन किया जाता था, लेकिन ये जर्जर होने के कारण अब ये रेलवे स्टेशन थोड़ा उधर नया बन गया है, आइए आपको दिखाते हैं। अगर ट्रेन के डिब्बे देखने हैं तो आप उस साइड में देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो किराया सूची है वो भी देख सकते हैं मुसाफिर खाना से, जो दूरी है उस हिसाब से यहाँ पर आपको एक बोर्ड दिख जाएगा। तो कुछ इस प्रकार होने वाला है, यहाँ से कितनी ट्रेनें चलती हैं आप देख सकते हैं, ये ट्रेन नंबर है और कहाँ से चलती है और कहाँ तक जाएगी, टाइमिंग क्या है और किस दिन चलती है, ये सारी सरणी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तत्काल टिकट के लिए निहालगढ़ तथा सुल्तानपुर से संपर्क करें, आरक्षण का समय होता है 11:30 बजे से 5:30 बजे तक। अगर आपको टिकट करवाना हो तो यहाँ पर 11:30 बजे से 5:30 बजे तक होगा, रविवार को 2 बजे तक है। दिनांक 15/3/2024 को इसका ठहराव मुसाफिर खाना पर हो गया है। ये कोई ट्रेन है अभी नाम नहीं पता है, लेकिन मैं इसको
स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको लगा दूंगा। तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिखाया गया, यूटीएस के माध्यम से मोबाइल ऐप का टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो ये स्टेशन मास्टर का केबिन है और अभी हैं यहाँ पर स्टेशन अधीक्षक विपिन कुमार जी। तो कुछ इस प्रकार होने वाला है ये मुसाफिरखाना का रेलवे स्टेशन। हाँ, मुसाफिरखाना रेलवे स्टेशन का वीडियो बनाने हमारे अशोक भैया आए थे जगदीशपुर से चलकर। अशोक ब्लॉगर। हाँ, अशोक ब्लॉगर है। अशोक ब्लॉगर। अच्छा, अशोक ब्लॉगर, इन्होंने अपने चैनल का नाम बदल दिया, क्या कहना चाहोगे? अशोक मौर्य एक्सप्लोरर था, अभी अशोक ब्लॉगर हो गया। और मुसाफिरखाना के बहुत सारे मित्र हैं, बस यही कहना चाहेंगे मुसाफिरखाना के कितने सारे आजकल क्रिएटर हो गए भाई, इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं मुसाफिरखाना को, ऐसे प्रेजेंट करते रहे। ऐसे में संजय मुसाफिर व्लॉग वाले भाई मुसाफिरखाना को अच्छा दर्शाते हैं, अच्छी तरह से वीडियो बनाते हैं। शादी की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ यार। हाँ भाई, लेकिन अब मेहनत करूंगा। अच्छा, क्योंकि यूट्यूब से जब पेमेंट आने लगती है ना, अच्छा तो और भी अच्छा लगता है कि उसको अच्छे से बनाया जाए। मोटिवेशन मिलता है यार, कि अगर कहीं से अगर हम कोई प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं तो एक मोटिवेशन होता है। अभी मेन चीज़ बताते हैं, पता है निहालगढ़ स्टेशन में, रेलवे स्टेशन और मुसाफिर खाना में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जिस हिसाब से यहाँ पे सफ़र करने वाले यात्री आते हैं उस हिसाब से काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ की फैसिलिटी की बात करें वहाँ से उचित है, बैठने के लिए सही सिस्टम है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ पानी की व्यवस्था, 4 नल इधर है, 4 नल उस साइड है ना, आपने बताया भी ना वीडियो में, 8 नल है। और निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर मात्र 1 नल है, और नल नहीं है वो, अब नल ख़त्म हो गया है, टोटी वाला ही पानी है। अब किस हिसाब से आता है उसको भगवान जाने। और सबसे घटिया व्यवस्था निहालगढ़ रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो वहाँ का समोसा यार बड़ा मशहूर है, कुछ फेमस है तो कुछ घटी, कुछ गलत भी सुनो ना आप। लेकिन समोसे यार महंगे कर दिए और छोटे भी कर दिए, 25 के 3 हो गए हैं। सबसे खराब चीज क्या है, अगर आपको 2 नंबर लगता है तो व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे एक यूनिसेक्स टॉयलेट बना है, जिसका मतलब होता है लेडीज जेंट्स या अपाहिज कोई भी जा सकता है, लेकिन वहाँ पे हमेशा ताला लटका रहता है। जब मैं स्टेशन मास्टर से पूछा तो क्या बोले, वो बोले कि वो सबके लिए नहीं है। अब मैं अनजान हूँ कि वो अनजान है, आप कमेंट करके बताना। समोसा तो फेमस है, बड़ी दूर तक फेमस है। हम अगर पंजाब से सफ़र करते हैं तो निहालगढ़ रेलवे स्टेशन का वेट करते हैं कि हम समोसा खरीदेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं। निहालगढ़ का बहुत अच्छा इतिहास है, बहुत अच्छे अच्छे मतलब वहाँ की चीज़ें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसका मतलब बहुत जरूरी है सुधार होना जरूरी है। शौचालय, जैसे मुसाफिर खाना की बात करेंगे तो वहाँ पे वो जो चल रहा है हुआ है, ये सामने क्या है, ये टॉयलेट है, ये पब्लिक टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट है, लेकिन जर्जर है, है ना। और ये ब्लॉक रोड है जो इधर से गया है, और इधर से जाएंगे तो सामने आपको इसौली रोड मिल जाएगा। और ये सामने है रेलवे स्टेशन हमारा, तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा मुसाफिर खाना का रेलवे स्टेशन है। यहाँ से समुद्र तल की जो ऊंचाई है नीचे से इसकी 103 फीट है, मीटर है, इसका मतलब हो गया 300 फीट नीचे समुद्र तल की गहराई है। आपको कैसा लगा ये रेलवे स्टेशन का वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और मुसाफिर खाना की ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।